विद्यादान फाउंडेशन फॉर एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयस ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 20th टू 23rd सितंबर 2012. शिव शिव करुणाब्धि श्री महादेव शंभो कर चरण कृतं वा कायजं कर्म मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धि श्री महादेव शंभो शिव शिव करुणाब्धि निर्विकल्पे निराकारे निरवृत्ते निरंजने नित्यानित्ये निर्विकारे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते बुद्धानां जननी शानि बोधिसत्व पितामही प्रपितामहि सत्त्वानां प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते मातर्मातर्जगन्मातः इति सं जपता नृणां मनोरथ प्रदेशुते प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणी श्रीधि श्रद्धा धृतिः स्मृतिः सर्वस्वरूपे सर्वेशे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते लोकोत्तरे लौकिके च प्रज्ञापारमितैमिते दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गंभीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता
शून्यताया पृथक् रूपम् यत् रूपम् सा शून्यता या शून्यता तत् रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता. It was organized by Pavan Kumar Gupta, Shri Pavan Kumar Gupta, on behalf of Sid. He's going to share that experience with all of us. आप सबका स्वागत है. स्वागत है. मैं सिद्ध नाम की संस्था से आया हूँ. मसूरी के आसपास हम लोग काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में. और 20-25 साल का जो अनुभव है उसमें मैं कोई नई बात नहीं करूंगा कि आप सबको सब शिक्षा के क्षेत्र से हैं और सभी इन बातों से परिचित होंगे. लेकिन क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से नहीं था इसलिए मेरे लिए नई बातें थी. तो 20-25 सालों के अनुभव में मैंने ये सीखा कि जो पढ़ाई लिखाई के नाम पे हम कुछ कर रहे थे वो सब कुछ गलत था. और ये शिक्षा हमको, ये समझ हमको गाँव वालों से ही मिली, और वो भी बुजुर्ग महिलाओं से और बुजुर्ग पुरुषों से भी, पर ज्यादा महिलाओं से. और हमारी शिक्षा यहां से शुरू हुई जब गांव की महिलाओं ने हमको कहा कि आप पढ़ा लिखा कर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं. इस तरह की तमाम बातें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, पर वो हमने उस पर बाद में एक रिसर्च भी की हम लोगों ने, जो बाहर पढ़ी है किताब मैटर ऑफ क्वालिटी. आप कुछ देखना चाहें जो इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं. वहां से हमारी शिक्षा शुरू हुई और उसके बाद हम लोगों का परिचय महात्मा गांधी से हुआ. मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो परिचय के नाम पे हर भारतीय ये मानता है कि हम गांधी जी को जानते हैं, मानता है कि हम जानते हैं. और मैं भी उसी तरह का एक आदमी था. पर जब महिलाओं से ये बातें होने लगी और मन में एक प्रश्न उठने लगे तो मेरे एक गुरु हुआ करते थे धर्मपाल, उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि तुमने गांधी जी को पढ़ा है. और ऐसा प्रश्न मुझे पहली बार ही किसी ने पूछा. और मैं ये मानता था कि हाँ गांधी जी को तो जानते ही हैं. जब उन्होंने बहुत स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा कि क्या तुमने गांधी जी को पढ़ा है, तो सोचना पड़ा कि क्या पढ़ा है. और पहली बार ये एहसास हुआ कि हमने गांधी जी को नहीं पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा है, या कुछ दो चार उनके नाम से जो कोटेशन चलते हैं, बाद में मुझे पता चला उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन वो कोटेशंस पढ़े हैं, उनके बारे में पढ़ा है, उससे भी ज्यादा उनके बारे में सुना है, और ये एक धारणा बना ली है कि हम गांधी जी को जानते हैं. तो उन्होंने मुझसे पहला काम ये करवाया कि गांधी वांग्मय हिंदी और अंग्रेजी में पूरी वांग्मय उन्होंने खरीदवाया 100-100 वॉल्यूम. और वो चलते फिरते ऐसा बोल दिया करते थे कि भाई वो 6 फरवरी 1916 वाला लेख जरा देख लीजिए, वो 17 मार्च 1918 का लेख देख लीजिए, वो स्पीच देख लीजिए. तो ऐसे हम उनको पढ़ने लगे. और इनको पढ़ते पढ़ते मुझे वो महिलाओं की जो चिंता थी या जो उनकी दिक्कतें थी वो क्यों थी, उस वो बात कुछ खुलने लगी. क्योंकि ऐसी ही बात महात्मा गांधी भी 80-90 साल पहले करते आए हैं. तो जो थोड़ी बहुत शिक्षा मेरी हुई वो इस महिलाओं के इस कहने से शुरू हुई. लेकिन उसके बाद एक तरह की पीड़ा शुरू ये भी हुई कि पहले ये मानते थे कि भाई हम तो भला कर रहे हैं, ABC क ख ग 1 2 3 या वगैरह वगैरह ये पढ़ा करके हम तो अच्छा ही कर रहे हैं. और फिर ये लगने लगा कि ये सब तो गड़बड़ कर रहे हैं और सही क्या है इसका कुछ पता नहीं. तो बहुत सारे प्रयोग किए, कुछ महात्मा गांधी से इंस्पायर होके किए, कुछ एक जीवन दर्शन के संपर्क में हम लोग आए जीवन विद्या के नाम से, उससे इंस्पायर होके भी कुछ प्रयोग किए. पर मैं उनको प्रयोग ही कहता हूं क्योंकि कुछ दर्शन के स्तर पे अगर बात पूरी भी पड़ती है तो
तो जब उसको करने जाते हैं तो वो जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, जितना लगता है कि ये होना चाहिए उसको पहले तो यही दिक्कत आती कैसे करें। ये क्या और कैसे का जो फर्क है ये महत्वपूर्ण फर्क है, समझ में आए कि क्या करना है और कैसे करना है, इसमें एक 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 फासला है। कुछ बाधाएं सिस्टमिक है, व्यवस्थागत है, कुछ बाधाएं अपनी कमजोरी या अपनी कमियों की वजह से है, और कुछ बाधाएं जिस माहौल में आप स्थिति परिस्थिति में अपने को पाते हैं उसकी वजह से भी है। तो कई प्रकार की बाधाओं से गुजरते हुए प्रयोग किए और बाद में पता चला कि प्रयोग देश भर में बहुत हो रहे हैं, दुनिया में भी हो रहे हैं, पर मैं देश की ही बात करूंगा, देश में बहुत प्रयोग हो रहे हैं, अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक संपूर्ण अर्थ में कोई चीज हो गई हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो खोज जारी रही और करीब 2 साल पहले, शायद 2009 की बात है, मैं हिंद स्वराज पे कुछ काम कर रहा था, उसके 100 साल की शताब्दी थी, तो उसी सिलसिले में मैं श्रद्धे लिम्पोशे जी के पास धर्मशाला गया था उनका एक लंबा इंटरव्यू करने के लिए, और हम लोग की बात लंबी चलती थी, बीच बीच में चाय वाय होती थी, तो एक दिन बात बात में ये बात होने लगी, रिम्पोचे जी ने कहा कि भाई ये परंपरा को लोग कोसने वाले भी बहुत हैं और परंपरा की दुहाई देने वाले भी देश में बहुत हैं, लेकिन कोई परंपरा को समझता है क्या? तो मैंने कहा तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो। तो ये निकला कि परंपरा को जो सपोर्ट करते हैं, परंपरा को जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये दोनों ही तबके के लोग बिना समझे ये काम करते हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा। तो इनका ये कहना था कि भाई शिक्षा में अगर लगे हुए हैं तो कम से कम परंपरा में क्या है शिक्षा में, उसको तो कहीं एक जगह डॉक्यूमेंट तो कर दिया जाए, एक जगह लिख तो दिया जाए कि भाई ये है परंपरागत दृष्टिकोण, ये है उसका दर्शन, ये है उसकी पद्धतियां, ये है ये है। तो उसमें उसी चर्चा से ये निकला कि एक मीटिंग बुलाई जाए, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और परंपरा को जो समझने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाए और उनकी बात सुन करके उसको लिपिबद्ध कर दिया जाए, ट्रांसक्राइब कर लिया जाए और फिर उसको छापा जाए। अब हम सब ना आधुनिक ना परंपरागत, तो हिंदुस्तान की हालत ऐसी ही है, वो जो वो गांव की महिला बोलती है कि न घर के न घाट के, उसी को दूसरे संदर्भ में हम सबकी हालत वैसी ही है, तो कहाँ ढूंढने जाए ये परंपरा वालों को। तो खैर जो भी इधर उधर जितना अपनी अपना क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में पता किया और जिन जिन लोगों का पता चला उनको पिछले साल बीर में हिमाचल में हम लोगों ने निमंत्रित किया और एक कॉन्फ्रेंस इसी तरह की अच्छी रही, कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई, कुछ नई बातें जानने को मिली, पर हम लोगों को लगा कि ये पूरा तो नहीं पड़ा, उसमें पूरी बात नहीं आई। तेजिंदर भी उस कॉन्फ्रेंस में आई थी और इनकी नई संस्था विद्यादान, तो इनसे पहली मुलाकात में जो इसी डॉक्टर राव के एमआरए में ही पहली मुलाकात मेरी तेजिंदर से हुई थी 3-4 वर्ष पहले, और उसी पहली मुलाकात में कभी कभी होता है हम लोगों की बहुत अच्छी मित्रता हो गई। तो तेजिंदर का ये, मैंने कहा कि इनको इस बारे में बड़ी रुचि थी, तो मैंने कहा कि आप इस अपने दोनों मिलके इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्होंने इस बार बहुत मेहनत की है, मैंने जितनी की उससे कहीं कई गुना ज्यादा, ये देश भर में घूमी, लोगों से मिली, उनको आइडेंटिफाई किया, पहचाना और यहाँ पे निमंत्रण दिया, और आप लोग आए हैं इतनी दूर दूर से, आप लोगों से शायद बहुतों से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और चेष्टा ये है कि हम एक दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुने, तर्क वितर्क से बचें, और क्योंकि उससे कुछ निकलेगा नहीं, जो जहां पे बैठा है, जो जिस चीज को समझता है उसकी बात को समझने का हम प्रयास करेंगे, अपनी बात को उस पे लादने की कोशिश नहीं करेंगे,
और जो प्रश्न होंगे वो भी इस प्रकार के होंगे जिससे दूसरे की बात समझ में आए, चुनौती भरे प्रश्न नहीं, जिज्ञासा वाले प्रश्न, वो ईमानदारी वाली जिज्ञासा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि खैर तो जिज्ञासा होती है क्या? तो इसी संदर्भ में ये है, चेष्टा हम लोगों की ये है, और इस बार तेजिंदर और हमने ये सोचा था, ऐसा सोचा था कि हम लोग पद्धति पे ज्यादा फोकस करेंगे दर्शन की बजाय। पिछली बार दर्शन की बहुत बात हुई थी कि ऐसा मनाही नहीं, दर्शन अभी भी होगा, लेकिन पद्धतियां क्या रही हैं परंपरागत तरीके से, क्योंकि हम लोगों की चिंता ये है कि जो अभी भी आज भी कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति तो निकल ही जाते हैं, लेकिन एक परंपरा नहीं बन पा रही है शिक्षा में कि साहब ये ऐसे यहां से जो लोग निकलते हैं वो कुछ अलग दिखते हैं, वो ज्यादा ईमानदार है, वो ज्यादा सहज है, वो साधारण होने में ही अपना उसको श्रेष्ठ मानते हैं, साधारण होना श्रेष्ठ मानते हैं, इस तरह की कोई व्यापक रूप से नहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या हमारी परंपरा में कुछ ऐसे सूत्र हमको मिल सकते हैं जिससे कि हमको एक दिशा मिले, ये हम लोगों की चेष्टा रही है। मैं फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग दूर से आए, और मैंने थोड़ा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी भाषा में बात करूँ। आप में से बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी, हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती होगी, मैं हिंदी वाला नहीं हूँ, सिर्फ अपनी भाषा में बोलता हूँ, और मैं क्योंकि जब लोग अंग्रेजी में बोलते हैं तो मेरे जैसे लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं सोचता जब हिंदी में बोलते हैं तो अंग्रेजी वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो कोई बात नहीं, बराबर हिसाब बराबर हो जाता है। तो मैं चेष्टा ये करता हूँ कि अपनी भाषा में बोलूँ, इसलिए मैंने इस भाषा में बोला, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग समझ ही देते होंगे। तो हम लोगों ने पूरी कॉन्फ्रेंस का भी फॉर्मेट ऐसा ही रखा है कि जो हिंदी में बोलना चाहे हिंदी में बोले, जो बंगला में बोलना चाहे बंगला में बोले, अंग्रेजी में बोलना चाहे अंग्रेजी में बोले, अनुवाद हम लोग कर ही लेंगे कहीं ना कहीं करके, ट्रांसक्राइब तो हो ही रहा है। ठीक, जस्ट फ्यू वर्ड्स। अवन जी ने तो बता ही दिया है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। करीब 2 साल पहले अपने मित्रों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई है, इसका नाम दिया है विद्यादान फाउंडेशन फॉर एजुकेशन। लेकिन ये विद्यादान शब्द, क्योंकि उन दिनों में मैं उपनिषदों का अध्ययन कर रही थी जिसमें विद्यादान की बहुत ही सुंदर व्याख्या है, वो हमारे ब्रोशर में दी गई है, वेबसाइट में दी गई है, क्योंकि दानम का अर्थ, विद्या का अर्थ उसमें बहुत सुंदर रूप से खोला गया है। For me, setting up this trust has been a kind of a personal quest. जैसे जितनी भी education मिली उसमें एक अधूरापन लगता था हमेशा, और वो अधूरापन किस कारण से है उसके ऊपर I could not place my finger on that. It was because of that I left my academic career some years ago, many years ago actually now, more than 20 years ago. And my first step where I went was to Krishnamurti Foundation, and I spent a few very precious years there. And many of the people from whom I learned, with whom I worked, I'm so glad to see them here. And yet the quest continued, because I knew that what is being said at Krishnamurti Foundation is something very precious, but there is something more that I'm seeking. And somehow that took me in the tradition of looking at the traditional approaches. Initially it was a kind of, just a kind of a journey, moving from one place to the other. And fortunately for me, a few years ago, just a couple of years, maybe 3-4 years ago, I came across a teacher who said, look, you have a background in education, you've been trained as an educationist, and you have a kind of a personal quest. Call it a spiritual quest, if it may be called, why don't you combine the two? And that was, and I also feel when we set out on a journey like this, the life forces come together. That's the time I got to meet Pavan, and who said, I'm interested in doing this work, do you feel like joining in?
And I remember my teacher many years ago had asked me to go and spend 1 year somewhere in the close proximity of Rinpocheji. And that time somehow I felt I was not prepared and I may not be able to even articulate it. That time something which was not attended to that time, somehow I feel as if life brought me back. And I met him at Bir after many, many years. And I met both of them a few months ago and we all decided that we will organize a seminar in Panchkani this time. I had about 6 months time. I tried to contact as many people as possible. A few people I met personally. I made a journey down south. I went to Chennai, places around Chennai, Karnataka. I visited some of the very beautiful gurukuls there. I've invited a couple of representatives from that place. I went to Yoga Swami Vivekanand University in Bangalore. Unfortunately, the Vice Chancellor has not been able to come, but he's been very gracious to send one of his very senior professors, Professor Alex Hankey, who's with us today. And with Krishnamurti Foundation people, I feel that they are my own. I went and met Kabir for the first time. Professor Krishna is here. Rinpoche ji, of course, belongs to Krishnamurti Foundation too. And I'm one of the most graceful people whom I've been corresponding with is Professor Uma Das Gupta. We had never met before. From the day one, the way she responded to my invitation, and today she's with us, in spite of having been, you know, she's got an assignment at Simla, at Institute of Advanced Studies, and she told them, I will join after the 23rd, not before that, because I've committed myself to the seminar. Last week, she was called by Government of India, please come and come, go to sign a memorandum of understanding in Russia. And she asked them, will you give me 2 days for the conference? Somehow it didn't work out. And she told them, I'm not coming for going to Russia and I'm going for the seminar. I'm grateful to the spirit in which people have participated like this. We have representation. Last year we felt we did not have representation from Shantiniketan. We are very glad to have two representatives from Gurudev Rabindranath Tagore's tradition. We have people from Pondicherry, and this time much younger people. Last time we had a paper which was sent by Dr. Anand Reddy. This time we have two or three people, like Pavan said, we wanted to bring in the pedagogy of different traditions. So they are going to share our experiences with us at the higher education level, at the level of school education, and maybe even at the level of non-formal education. We have some people who don't belong to any tradition as such, but they're doing some very interesting work. Dr. Dilip Chinchalkar is one of them, whose stories we are going to be sharing with people, who kind of bring the flavor of Gandhian world, but I cannot restrict it only to Gandhian perspective. And there are many more people, I'm sure I'm forgetting them, and we've also taken little care to invite people from the mainstream. So there can be a way of connecting. It should not be as if some people are only talking about Indian perspective and they're not people who are from the mainstream who can try to connect the two together. What I found was, since I have been traveling and working in different organizations, I found at Pondicherry, wonderful work being done at the school there, even at the college level. I found that Krishnamurti, friends very often, if I ever had a child, I would have sent the child to a Krishnamurti school. There's excellent work being done in those schools, but there are challenges being faced at the same time. Similar challenges are being faced at Shantiniketan. What I felt was people are working within a perspective at their respective centers, but somehow they don't come to share the stage, or at least to my knowledge, these perspectives don't come and share the difficulties or even their perspectives, and to see how is there something which is common amongst those perspectives which could be shared, or is there something which are major differences which we cannot share at all.
It's for same reason that we've invited some scholars from the Islamic tradition. So our respectable Professor Chishti is here, who is representing Khwaja Chishti's tradition from Ajmer, and he comes from the same family. We have Father Sok with us, George Sok with us. I went to Vidya Jyoti, the center which trains the Jesuit priests, and they were very graceful in sending a very senior representative to us, who's an Indologist. And I also find it very interesting, many years ago, I had been introduced to Swami Abhishektananda's tradition. Swami Abhishektananda, if I understand, he was a Frenchman who met Raman Maharishi, went into a kind of, he was exposed because Raman Maharishi was a kind of tower of silence. He met that kind of silence, went into retreat, and after that his efforts were to combine, to find the meeting points between the Indian Vedic Upanishadic tradition and the Christian tradition. I'm very glad to welcome somebody coming from that kind of a background. And later on, while I kept exploring, I realized that there is a whole tradition amongst the Jesuits who probably, please correct me later if I'm wrong, who talk about ashram setting as being more appropriate in the Indian context than the kind of a church setting which is normally followed by the Christians. So it's a kind of a melting pot in a way. And let's come together, let's share our quest together, let's listen to each other, let's see what is it that we can learn from each other, and also let's openly share the challenges that we face in trying to implement something which is very dear to us. Because this is not, I think, this is not an occasion for us to assert that this is my perspective and this is the perspective. Let's come to share what is it that is there which is very essential to each one of us, and what are the challenges which we are facing, and if there is something which we can do about those challenges. And I have to, in a way, apologize. You see, I'm not used to holding kind of gatherings like this. I've never organized something like this before, at the most a small retreat or a workshop. I'm bound to make many mistakes, me and my colleagues who are here. Please excuse us. It's not because we mean to be indifferent, it is only because we don't have experience here. Because we had decided we will begin with an invocation by our very dear friend Raji here, Rajeshwari Ramanan, and I forgot completely about that, about after lighting, after that lamp had been lit. So may I, should we have this invocation just now? पर हम उसको बाद में नहीं एडजस्ट करेंगे, अभी आप आधे घंटे बोले अपना समय नहीं है. पिछले साल बीर में जो हम लोगों का संवाद हुआ था, उसके संतत में आज यहाँ बना सम्मेलन हो रहे हैं, संवाद होगा, ये बहुत साधुवाद पात्र हैं. पवन जी और इस आयोजन में लगे हुए सभी मित्रों को मैं साधुवाद देता हूँ. संस्कृत में या भारतीय भाषा में शिक्षा प्रतीक शब्द है, जिसको अंग्रेज में एजुकेशन के नाम से पुकारा जाता है, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ शब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत
पर्यायवाची शब्द लगता नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए आज वो दोनों शब्द को पर्यायवाची के रूप में मानते हैं। उससे हम जैसे लोगों को कभी कभी दिक्कत होते हैं, क्योंकि हम अपने को बहुत अच्छे अनएजुकेटेड मानते हैं, लेकिन अशिक्षित माने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत शिक्षित जैसा लगता है, लेकिन हम ये बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि हम शत प्रतिशत अनएजुकेटेड एक व्यक्ति हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों की संवाद में जो मैं शिक्षा के विषय में कुछ कहूँगा तो आप उसको एजुकेशन के अर्थ में ले लेंगे तो ठीक तरह से संवाद बैठ नहीं पाएगा, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। मैंने शुरू में ये कह दिया कि जो मैं शिक्षा की बात कह रहा हूँ वो आपकी एजुकेशन के साथ बहुत ठीक से समन्वय होने में कठिनाई हो सकता है। एक मूल धारा का परिकल्पना है, जो मूल धारा नहीं बहते हैं उसको एक अल्पसंख्यक लोगों की अज्ञान या असमर्थता के रूप में देखते हैं। तो इसलिए इस समय परंपरा के बाद मूल धारा में नहीं है, ऐसा पूर्व वक्ताओं ने भी इसको मान करके कहा है, मैं भी इसको मानता हूँ कि परंपरा किनारा कर दिया है, वो मूल धारा में कहीं पर नहीं है। मूल धारा में नहीं होने की चीजों को ऐसा मान लिया जाता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको उपेक्षा किया जा सकता है और ऐसे चीज की अस्तित्व मिट भी जाए तो उससे कोई ज्यादा हानि नहीं होने वाला है, ऐसा मान्यता है। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसको मैं नहीं चाहता हूँ, मैं केवल एक वस्तु स्थित का आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसा जो जगत की समय की परिस्थिति है उसमें ऐसा माना जा रहा है। या कि दूसरे दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि परंपरा एक पिछड़ा हुआ सोच है और पिछड़ा हुआ सोच जो एक प्रगतिशील सोच होता है उसके साथ नहीं चलते हैं या चलने की आवश्यकता नहीं है या कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि वो उसके बाधक हैं। जब तक के परंपरा की सोच को मूलतः परिवर्तित नहीं किया जाए तो हम प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं और प्रगतिशील होने के लिए बहुत चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। और जहाँ प्रगतिशील की जब बात होते हैं तो वहाँ पर जो हम अपने चीज़ों को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, जो नए लेने वाले चीज वो क्या है जिसको हम प्रगति मानते हैं, प्रगतिशील मानते हैं, वो क्या एक मूल अपने विचारधारा से आए हुए हैं या हम किसकी नकल कर रहे हैं। नकल करना बहुत बुरी चीज तो नहीं होना चाहिए, वैसा नकल तो नकली होता है, वह मूल नहीं होता है, वह प्रमाणिक होना बहुत कठिन है। आजकल कहावत भी है कि
उसकी नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। तो नकल करने की अक्ल जो हमारे पास है वो भी अपने अक्ल हैं अथवा ये आयातित अक्ल हैं, वो भी चुरा जांचने वाली चीज है। हम उस अक्ल को भी बाहर से आयातित कर रहे हैं और उस आयातित अक्ल से हम नकल करने की प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारा कितना नकल जो है प्रमाणिक होगा। अगर प्रमाणिक नहीं भी हो तभी क्या हितकारी हैं हमको तत्कालिक रूप से या दूरगामी रूप से स्वयं को या अपने प्रजा को अपने साथ लेने वाले जन समूह को किसी प्रकार से लाभदायक हैं या नहीं, ये सोचने की बात होते हैं। आगे 3 दिन की या 2.5 दिन की हमारा संवाद होगा, तो उसमें कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके साथ कुछ सुझाव के रूप में निवेदन भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बारी बार से यहाँ आ रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर इस सम्मेलन की प्रारंभिक के वक्तव्य के रूप में कुछ कहने के लिए अपने दिमाग को सुव्यवस्थित करने का समय नहीं मिला है, लेकिन इस समय जो कुछ मन में आएगा वो थोड़ा अव्यवस्थित रहेंगे लेकिन मैं आप समय रखूंगा, जिसको आप एक प्रश्न के रूप में या एक खोज के रूप में आगे इस पर विचार करें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। प्रचलित मूल धारा की शिक्षा पद्धति हैं या उससे ज्यादा बेटर होगा एजुकेशन की सिस्टम है, वह कितना संतोषजनक है, जिसके माध्यम से लोग एजुकेटेड होता है वह एक अच्छा समय और अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सक्षम है अथवा नहीं, या उससे हम पूर्ण रूप से संतोष हैं या उसमें कुछ असंतोष के अंश भी रह जाते हैं या बहुत ज्यादा असंतोष हैं, ये हमारा बुनियादी प्रश्न रहेगा। इस प्रकार की खोज में सम्मिलित होने वालों से मेरा ये अपेक्षा रहेगा कि अगर आप प्रचलित प्रणाली से, शिक्षा की प्रणाली से, एजुकेशन सिस्टम से आप संतुष्ट हैं और उसमें ही आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण व्यतीत हो सकेंगे, उसमें क्षमता है ऐसा मानते हो, तो इस प्रकार के विकल्प चीजों को देखने की खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खोजेंगे भी तो वो एक तरह से मनोरंजन ही होगा, बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रखेंगे। अगर आपके मन में कहीं न कहीं असंतोष की जो प्रचलित है उसमें असंतोष की भावना है या उससे कुछ छूट रहा है, कुछ अपूर्णता है, ऐसा भावना यदि आप मन में है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि पहले उसको जांच लें। हो सकता है आपने प्रचलित प्रणालियों को ठीक ढंग से नहीं देखा हो, उसको ठीक ढंग से नहीं समझा हो या उसको प्रचलन में उसके प्रयोग में कहीं त्रुटि रह गया हो, उनको हटा दिया जाए तो उसमें सब चीज ठीक ठाक हो तो ठीक है, फिर कोई दूसरा खोजने की आवश्यकता नहीं।
एक बार ले जाते हैं राष्ट्र की भावना की। भारतवर्ष एक राष्ट्र रूप में हम लोग मानते हैं। गांधी जी ने मेरे सपना की भारत की प्रारंभ में ही लिखा है कि सब जगत एक ही जैसे हैं, तो इसलिए मैं क्यों भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से चिंता करने की काम करने की आवश्यकता है, इस प्रश्न को उन्होंने पूछा है। फिर उस प्रश्न के उत्तर में क्यों भारतवर्ष के लिए भारत के एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए काम करने का आवश्यकता क्यों है, वह आध्यात्मिक की दृष्टि से, केवल लौकिक दृष्टि से नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्लेषण करके उन्होंने ये बताया है कि एक मनुष्य जिस धरती पर जिस राष्ट्र में जन्म लेते हैं उसमें से पलते पहुँचते हुए बड़े होते हैं तो वह एक रेन बनते हैं, धरती के प्रति, अभिभावकों के प्रति और प्रजा के प्रति और राष्ट्र के प्रति। वह एक प्राकृतिक नियम है, वो कोई कृत्रिम नहीं है। तो उन रेनों से ऋण होने के लिए राष्ट्र की भावना रखना आवश्यक है। यह नहीं कि राष्ट्र की भावना से हम प्रजा को या जगत की जनता को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। आजकल तो राष्ट्र की भावना ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्र के हित को भी परित्याग करने की, बलिदान देने की क्षमता और साहस रखते हो वो राष्ट्र की बात सोच सकते हैं। केवल राष्ट्र को एक पृथक अस्मिता की कारण मात्र माने तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं भी माना जा सकते हैं। कृष्ण जी का एक शब्द है, वो तो आर्य में हमेशा बोलते थे, तो उनका एक शब्द है यूएन की किस अंग के संगठन ने उनको भाषण देने के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा नेशंस कैन नेवर बी यूनाइटेड। जहां पर नेशन की परिकल्पना है तो वहां पर यूनाइटेड की परिकल्पना अपना आप निरस्त हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से राष्ट्र की भावना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन राष्ट्र की भावना इस माने में बड़े चीज होते हैं कि हर राष्ट्र को प्राकृतिक नियम की तहत एक सार्वभौम दायित्व होता है, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति को होता है, हर देश को होता है, हर क्षेत्र को होता है, हर राष्ट्र को होता है। वह अधिकार की बात नहीं है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही अभी तक परंपरा के विचार में अधिकार की बात कहीं नहीं महत्व दिया गया है। दायित्व की, उत्तरदायित्व की बातों को ज्यादा महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को अपने समाज के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अंतर्राष्ट्र की जगत के प्रति जो दायित्व हैं वो ठीक ठीक निभाएंगे तो कहीं किसके अधिकार का हनन नहीं होगा। और दायित्व को निभाने की बात छोड़ कर की अधिकार की सुरक्षा करने के प्रयास करेंगे तो उससे किसी का भी अधिकार का सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है, जिसका प्रमाण हमारे सामने है। संयुक्त राष्ट्र ने 55 वर्ष पहले एक ऐसा दस्तावेज को सार्वजनिक किया था
जिसको कहते हैं सर्वोम मानवाधिकारों की उद्घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उस डिक्लेरेशन के बाद में कितना मानवाधिकारों का हनन हुआ है ये जरा सा हम शोध करेंगे तो पहले से दो गुना तिगुना ज्यादा हनन हुआ है, क्योंकि वह एक अंगी जैसे हो गए थे। जब हम दायित्व के विषय में सोचेंगे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तब ये कैसा संपूर्ण निभाया जा सकते हैं, इसमें शिक्षा की प्रश्न उठता है। और वह शिक्षा आपको दायित्वों की मानसिकता देते हैं या नहीं देते हैं, और दायित्वों की बोध के साथ साथ उन दायित्वों को पूर्णता निभाने की क्षमता आपको प्रदान करता है या नहीं, ये शिक्षा का एक ही कसौटी होना चाहिए। तो इसलिए यदि मूल धारा की एजुकेशन पद्धति से आपको कहीं पर भी असंतोष की भावना है, तब देखना चाहिए परंपरा में क्या है, या परंपरा का अतिरिक्त और भी क्या क्या संभावनाएं हैं। संभावना मात्र परंपरा में ही खोजना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता। परंपरा एक ऐसा संभावना है जो आपकी अपना है, आपके अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें स्वयं आप एक प्रकार से उसकी मालिक हैं। अगर उसमें कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ अच्छा विकल्प अगर दिखाई देते हो तो उसको जांच लेना चाहिए। उसको जांचने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और पहले परंपरा किसको कहते हैं वो भी जान लेना चाहिए। कोई रीति रिवाज बहुत दिनों तक कहीं पर प्रचलित रह जाए और देखा देखे उसको बहुत दिनों तक चलाए रखें, उतना मात्र से परंपरा नहीं बनते हैं। परंपरा की परिभाषा समझना जरूर है। हमारे पुराने रीति रिवाजों में बहुत सा वस्तु ऐसा है जो त्याग है, अच्छे नहीं है, उसको अब परंपरा है ऐसा गलत फहमी नहीं होना चाहिए। जैसा अस्पृश्यता की भावना था या शेजा बीबी है जातों के बीच में, वो कोई परंपरा नहीं है, वो एक कुरीति बहुत दिनों तक चले आ रहे थे और उस कुरीति को समाप्त करना चाहिए। संप्रदाय की भावना, जात पात की भावना, क्षेत्रीयवाद, इस प्रकार से बहुत सारी चीज ऐसा है लोग समझता है कि क्या ये बहुत दिन चला आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा से लेकर के सब लोग इसमें जिए हैं इसलिए ये परंपरा हो जाएंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुमार स्वामी ने परंपरा का परिभाषण किया है, वो बाद में भी हम लोग शायद उस पर चर्चा करेंगे, तो उसको देखना चाहिए। और जिससे अब एक समय की ज्ञान मिलेगा कि कौन सा चीज परंपरा है और कौन सा चीज कुरीति है या हे की आदत परे हुए हैं जो ग्रहणीय नहीं है, त्यागीय हैं,
लेकिन हमारा आदत में वो परे हुए हैं, उसको परंपरा नहीं समझना चाहिए। पिछले वर्ष बीर में जब हम लोग मिले थे तो बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा और उसके अतिरिक्त वैदिक और अन्य दार्शनिक मान्यताओं की परंपरा से शिक्षा की प्रश्न पर क्या क्या हमें मिलता है उस पर एक दृष्टिगोचर हो गया और उसको और आगे बढ़ाने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मुझे इस सम्मेलन का एक विशेष महत्व ये लगा कि यहाँ की आज की सम्मेलन की जो भागीदारी है इसमें युवक युवतियां बहुत अधिक संख्या में हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सब मूलधारा की एजुकेशन पद्धति से एजुकेटेड होकर के यहाँ पर आए होंगे और आपकी मन में कोई ना कोई प्रश्न होगा, उस प्रश्न को लेकर के यहाँ आए होंगे। तो इसलिए आपने संकोच होकर के जो कुछ प्रश्न आपके मन में है या जो कुछ संदेह परंपरा के प्रति है उन सबको निर्भयता से अभिव्यक्त करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। संवाद ठीक से स्थापित होने के लिए देर ये चाहिए, शेषों का भी चाहिए और दूसरे मतों को और पक्षों को सुनने का एक कला भी होना चाहिए, लिसनिंग। कृष्ण जी बार बार इस पर बल देते थे, टू सी टू लिसन। क्या हम अपने पूर्वाग्रहों से एक प्रकार से क्षति पहुंचे बिना जो वक्ता किस बात को प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं उसको साक्षी भाव से हम सुन सकते हैं कि या नहीं, सुनने के बाद सहमत असहमत दोनों हो सकता है, लेकिन सहमत असहमत तभी ठीक होगा जब पूर्व पक्ष को जो दूसरा जो कुछ कह रहे हैं उसको आप ठीक समझें, ठीक सुने। तो उसको सुनने के बाद फिर आपने पक्ष, अपने मत, अपने विचार एक युक्ति के साथ प्रस्तुत करें तो एक अच्छे संवाद स्थापित हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। पवन जी ने तो कहा कि तर्क वितर्क मत करिए, लेकिन हम लोग थोड़ा तार्किक हैं, बहुत लोग तार्किक होते हैं, तो इसलिए मैं इनसे थोड़ा असहमत होने की अनुमति चाहूंगा कि संवाद स्थापित होने में तर्क वितर्क बाधक नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क बाधक हो जाए तो फिर हम एक प्रकार से बिना जाने सहमत होने की दिशा में बह जाएगा। असहमत होना महत्वपूर्ण है, सहमत होना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सहमत तब वो आप दोनों पक्ष को ठीक ढंग से समझ करके। कोई विवाद की सुलझाने के लिए, दो राष्ट्र के बीच में कोई विवाद है उसको सुलझाने के लिए जब संवाद करते हैं तो वहां पर बहुत सा समझौता कर लेते हैं। समझौता उस समय करने से तत्कालिक समस्याओं का
समाधान हो जाता है या कुछ समस्या टाल जाते हैं, लेकिन दार्शनिक के संगोष्ठी में समझौता नहीं होता है। अगर आप ठीक लग रहा है तार्किक दृष्टि से, आप अपने युक्ति से अपने हेतु से उसको सिद्ध कर पाते हैं तो आप उसको मानिए, अगर नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो आप अपने तर्क प्रस्तुत करिए और जो दूसरे पक्ष हैं उसको खंडन करिए, अपने मत को रखिए। देखिए ये दोनों में एक मैत्री भावना और खोज की भावना होना जरूर है। मैत्री भावना और खोज की भावना नहीं होगा तो तर्क वितर्क झगड़ा भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। मैत्री और खोज की भावना से तर्क वितर्क करेंगे तो हम विषय की खोज में कुछ आगे अग्रसर हो सकता है। तो इसलिए ये आने वाले दो ढाई दिनों की जो हम लोगों का संवाद की प्रक्रिया होगा वो एक तो शिक्षा और एजुकेशन की समस्याओं को लेकर के एक साझा भाव से खोज करेंगे और इसमें से जो कुछ निष्कर्ष निकलेंगे या सुझाव निकलेंगे तो वो अपने अपने स्तर पर जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे और सामूहिक क्षेत्र पर हम क्या कर सकते हैं, समाज को राष्ट्र को क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था हम लोग बहुसंख्या में नहीं है, अल्पसंख्यक लोगों की ही कुछ विचार हैं, परंतु विचार सही होगा तो वह सर्वम मान्य होगा और उसके लिए हमें एक युक्ति तैयार करना चाहिए जो समय की दृष्टि है, उस समय की दृष्टि को समय के संकल्प में और समय की वाणी में कैसा संप्रेषण किया जा सकता है, यह इस सम्मेलन की ध्येय या उद्देश्य।